हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करता हूँ फिर से हमारे नए YouTube वीडियो में। दोस्तों, हमारे हाथ में हीलेंट स्प्रे जो कि बीरबैग कंपनी द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, हीलेंट क्रीम का यूज हम अपने पशुओं में कब करते हैं, किस रोग में करते हैं, इसकी MRP कितनी है, कब यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर आपकी पशु को मेस्टाइटिस यानी थनैला हो जाए तो हम इसमें यूज करते हैं, जो पशु का थन में सूजन आ जाए काफ़ी भारी मात्रा में। दोस्तों, ये हमारी गाय है जिसको थनैला हो गया है, आप देख रहे हैं उसके थन में काफ़ी ज़्यादा सूजन के साथ साथ इसका जो थन है वह फट गया है। थनैले के कारण पूरा दूध जमा रह गया, दूध नहीं निकला, जिसके कारण पूरा थन फटकर इसमें से मवाज के रूप में बाहर आ रहा है। डेली 4 से 5 किलो मवाज इसमें से बाहर आता है। दोस्तों, उसमें हम अपने हीलेंट क्रीम का यूज करते हैं अपने पशुओं में। तो इसका जो दोस्तों आर्डर था, काफ़ी ज़्यादा हार्ड सूजन आ गया था, तो हमने इसका हीलेंट स्प्रे का यूज किया। यूज करने के बाद सूजन काफ़ी कम हो गया, फिर उसके बाद आर्डर ऑटोमेटिक फट गया। फटने के बाद पूरी मवाज अच्छे से बाहर आने लगी है, पशु थोड़ा बहुत दूध देना स्टार्ट कर दी है। दोस्तों, अगर आपके भी पशुओं में इस प्रकार से समस्या आती है, पशु के थन में सूजन हो गए, थन से दूध सही नहीं आ रहा है, थन लालपन हो गया है, थन कालापन हो गया है, तो आप भी अपने पशुओं में हीलेंट क्रीम का यूज साथ साथ हीलेंट स्प्रे का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, आप इस क्रीम का यूज गाभिन पशु हो या गाभिन ना हो, दोनों में यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपके पशु को जोड़ों में यानी पैर के जोड़ों में कहीं पर भी जोड़ हो जहाँ पे पशु को सूजन आ गई है, जैसे पशु की पैर में जोड़ के पास सूजन आ गई है और दर्द होता है, तो वहाँ पर भी हम हीलेंट स्प्रे का और हीलेंट क्रीम का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, हीलेंट स्प्रे और हीलेंट क्रीम दोनों एक ही कंपनी का है, दोनों एक ही कार्य करता है। आप कोई सा भी स्प्रे भी यूज कर सकते हो और क्रीम भी यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपके पशुओं के आर्डर में कभी कभी आपने देखा होगा दूध सही नहीं आता है, दूध दही जैसा आने लगता है, अगर आपके पशुओं में इस प्रकार से भी समस्या आती है तो वहाँ पे आप हीलेंट स्प्रे और हीलेंट क्रीम का यूज करा सकते हो अपने पशुओं में। दोस्तों, ये हमारे हाथ में हीलेंट क्रीम जो कि 100 ग्राम का आता है, वो भी 100 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके पशुओं में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे वीडियो में कमेंट करना, हम आपके लिए पर्सनली वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद हमारे YouTube फैमिली मेंबर।